हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कास्टनी फैशन। फ्रेंड्स, आज ये एक ब्रोकेट का कपड़ा है जिस पे मैं एक नेक पैटर्न बनाने जा रही हूँ। मैं इसे मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगी कि एक बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर बनकर तैयार हो, क्योंकि कपड़े का लुक काफ़ी सुंदर है। तो मैंने इसके लिए इसके नेक पे लगाने के लिए लेसेस लिए हैं, और ये एक लेस है और एक ये लेस है, और साथ में ट्रायंगुलर लेस को भी मैं ऐड करूँगी। तो एक ये लेस फ्रेंड्स, इस कपड़े पे नेक बनाने के लिए मैंने इस लेस को लिया है। ये लेस तकरीबन हमारा 2.5 इंच चौड़ा है, तो मैंने इसका मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही इस लेस को सिलेक्ट किया है। तो अब मैं इस लेस को नेक पे फिट करने जा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से मैं इसे जॉइंट करके फिट करूँगी, और इसे थोड़ा सा इसका पार्ट दामन पे भी लगाऊँगी, क्योंकि ये सिंपल कुर्ती नहीं, ये सूट बनेगी। इसके नीचे हमें सलवार या चूड़ीदार बनाना है, या तो स्कर्ट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मुझे इसके दामन पे डिज़ाइन देना होगा। तो अभी मैं इसे अटैच कर रही हूँ, इसके सेंटर पार्ट से इसको अटैच कर लूँगी। फ्रेंड्स, हमने इसको अटैच कर लिया है, अब हम इसके दूसरे पार्ट को अटैच करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ तक अटैच कर लिया है, अब मैं इसके जो एरो टाइप शेप है उसको मैं अटैच करती हूँ। इसको हमें काफ़ी धीरे धीरे अटैच करना पड़ेगा, कि काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड लेस होने के कारण इसे हमें बहुत आसानी से धीरे धीरे अटैच करना पड़ेगा, जैसे कि ये इधर उधर शिफ्ट भी ना हो, और इसके जो इसमें लगे हुए हैं मुख्य सितारे, जो भी जड़ियाँ, वो सब भी ख़राब ना हो। ये मैंने इसे धीरे धीरे अटैच कर लिया है। बस देखिए, इसका ये पार्ट तैयार हो गया बस, और इसे इधर से जो अटैच करना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे रंग से तैयार हुआ है। ये लेस इसको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इसके नेक को हम बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने इसका सेंटर ले लिया है इस तरीके से कट करके, और इसका भी सेंटर ले लिया है। अब इन दोनों के सेंटर को मैच करके हम यहाँ फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमें बिल्कुल सूट के मैचिंग का धागा ले लेना होगा, इसका सेंटर मेज़रमेंट करके बिल्कुल एक टेंशन बढ़ाकर 2.5 या 2.5 पर रख के इसका स्टिच लगाएंगे, कच्ची स्टिच। उसके बाद इसे पक्का करेंगे। हमने इसके ये साइड की सिलाई कर दी है, अब हम इसका नेक को बनाएंगे। उसके नेक को बनाने के लिए हमें इसके बीच के कपड़े को काटना है। इस बीच के कपड़े को काट के अलग करेंगे, काफ़ी सावधानी से काटना है ताकि स्टिच पे ना जाए। फिर राउंड शेप के थोड़े नोचेज लगाने होंगे। मैं इसके एज पे ये लेस लगा रही हूँ, जिससे कि इसका ये जो पार्ट है वो बिल्कुल एक नेकलेस की तरह दिखे। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, मैंने इसके गले पे भी एक लेस लगा दिया है गोल्डन, ताकि ये इसके पैटर्न को सूट करे। ये बिल्कुल मतलब स्पैच सा ना लगे, लगे कि कंप्लीट एक डिज़ाइन है। और ये मैंने इसका पैच लगा दिया है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव लेस है, मार्केट में जो आसानी से 50-60 रुपये मीटर मिल जाता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा पैटर्न बनकर तैयार हुआ है, जो कि इस कलर के साथ काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। देखिए, तो फिर सूट पे इस तरीके के पैटर्न्स अक्सर हम ऑनलाइन शॉपिंग पे या फिर बड़े बड़े शोरूम्स में देखते हैं। ये देखिए, अब मैं इस बॉर्डर पे, ये मुझे सूट बनाना है, इसीलिए मैं इसके बॉर्डर पे भी एक ये लंबा लेस लूँगी। और आपको मैं अगर याद दिला पाऊँ, तो ये ऐसा सूट आपने करीना कपूर को नगाड़ा सॉन्ग में देखा होगा पहने हुए। अगर मैं ये लगाती हूँ तो तकरीबन उसी सूट की तरह तैयार हो जाएगा। आप यूट्यूब पे वो नगाड़ा सॉन्ग देख सकते हैं, लगभग इससे मिलता जुलता 90% सूट उन्होंने पहन रखा है। और ये इसके साथ काफ़ी, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर लेस लगाने के लिए सोचा है, वो नेक के साथ बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए, मैं इसे ये लेस फिट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका नेक पैटर्न और बॉटम तैयार कर दिया है सूट का। ये मैंने सूट की कुर्ती कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट विजिबल करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये इसका नेक तैयार हो गया है, और ये देखिए, ये बॉटम के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी अगर ऐसा कोई ब्रॉकेट का पीस हो या फिर आपकी साड़ी हो, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, जिस पर कॉन्ट्रास्ट लेस लगाकर काफ़ी सुंदर पार्टी वेयर बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया हो, इस क्लोथ के साथ कॉम्बिनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और शेयर करें,
लाइक करें जिससे कि मेरी एनर्जी दोगुनी हो जाए और मैं अगले दिन फिर से एक नया पैटर्न लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, हर सूट के साथ हर पैटर्न कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, इसलिए कभी कभी हमें फॉर्मल तो कभी फेस्टिव तो कभी इनफॉर्मल भी बनाना पड़ता है, कैजुअल भी बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड नाइट।